देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूँ। जैसे कि चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं और लगातार कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर है, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में सरकार यानी कांग्रेस को बहुमत मिलने जा रहा है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी 109 सीट और कांग्रेस 107 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं दो अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ का मैं आपको बता देता हूं, 24 सीटों पर अभी तस्वीर साफ हुई है बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए 54 सीटों पर अभी तस्वीर साफ हुई है। वहीं अगर हम तेलंगाना आपको लेके चलते हैं, मिजोरम की मैं आपको तस्वीर बताता हूं, 11 बीजेपी के खाते में है तो वहीं कांग्रेस के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल ये चुनावी राजनीति जिस तरीके से हम कह रहे हैं, नतीजे सामने आ रहे हैं, ये देश की राजनीति में भूचाल लाने वाले नतीजे हैं। जाहिर सी बात है 2019 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ये नतीजे देश की तस्वीर बदल देंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष पांडे, जो मध्य प्रदेश की एक एक सीट का नतीजा आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अभिलाष जी, सबसे पहले जैसा मिल रहा है कि जो उम्मीद जताई जा रही थी मध्य प्रदेश में, कांटे का मुकाबला देखने को मिला और वो मुकाबला देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए काशिफ भाई, हमने हमेशा SPN के प्रोग्राम में यही बात की है कि इस बार थोड़ा सा गुजरात वाली कहानी जो है मध्य प्रदेश में रिपीट की जाएगी, और वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से करीब 218 सीटों के रुझान जो सामने आए हैं, एक चूहे बिल्ली का खेल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रहा है। 109 सीटों पर हालांकि फिलहाल बीजेपी आगे है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में कड़ी टक्कर दी है कांग्रेस ने, इतना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये था कि भाई कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया का वर्चस्व जो है वो थोड़ा सा इस बार लहराएगा, लेकिन इतनी ज्यादा उम्मीद जो है वो किसी को नहीं थी कांग्रेस की सीटों की। बात अगर इंदौर की सीटों की जाए या फिर जो मेन जो गढ़ के इलाकों को देखा जाए, तो उन गढ़ के इलाकों से कांग्रेस जो है घसीट कर बीजेपी को जो है पीछे ढकेल रही है। बिल्कुल, घसीट कर जो है बीजेपी को पीछे ढकेल रही है। मैं थोड़ी सी सीटें आपको क्लियर कर देता हूँ। रतलाम शहर से भाजपा प्रत्याशी चेतन कश्यप आगे चल रहे हैं, तो वहीं रतलाम ग्रामीण से यानी देहात से भाजपा प्रत्याशी दिलीप मकवाना आगे हैं, तो वहीं जावरा से भाजपा आगे है, आलोट में कांग्रेस आगे है, सैलाना में कांग्रेस आगे चल रही है। बुरहानपुर सीट इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा बोरा समाज के लोग रहते हैं, और हमें याद होगा कि मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोरा की मस्जिद में पहुंचे थे, तो बुरहानपुर सीट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। मंदसौर कांग्रेस के नरेंद्र नाहटा आ गए। अभिलाष जी, मंदसौर किसानों पर अत्याचार, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, ये बात तय थी काशिफ भाई, कुछ सीटें जो थी वो कांग्रेस के फेवर में ही जा रही थी, क्योंकि मंदसौर में जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कुछ मंदसौर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ये लगभग साफ तौर पर नजर आ रहा था कि किसान वर्ग जो है वो नाराज था, कितने किसानों ने आत्महत्या की और काफी कुछ मंदसौर वालों ने झेला है। तो इस बार उन्होंने जो है अपने वोट से ये बता दिया है कि भाई बीजेपी आपके दिन जो है वो लद गए हैं हमारी तरफ से। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि बुरहानपुर की सीट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और यहाँ से अर्चना चिटनिस जो है वो आगे शायद चल रही हैं, और अर्चना चिटनिस का वर्चस्व जो है बुरहानपुर में काफी अच्छा है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, दीदी का जो है वर्चस्व देते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद यहाँ से बीजेपी बाजी मार सकती है। बीजेपी बाजी मार सकती है। अभिलाष जी, जिस तरीके से 15 साल का शासन मामा जी का, जनता मामा जी ने न्यूयॉर्क में कहा था, शिवराज सिंह चौहान जिनको वहां मामा जी का लकब मिला हुआ है, शिवराज सिंह चौहान ने न्यूयॉर्क में कहा था कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से ज्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद काफी उनकी फजीहत हुई थी, हालांकि मध्य प्रदेश में 15 साल का वो शासन कर चुके हैं। जनता के अंदर आक्रोश था क्या उनको? बिल्कुल, जनता के अंदर आक्रोश था काशिफ भाई, ये बात तो साफ तौर पर देखी जा सकती थी, क्योंकि कई ऐसे जो मामले थे मध्य प्रदेश में जो जिनसे लोग काफी ज्यादा नाराज थे। सबसे पहले तो जो किसान वर्ग था वो पूरी तरह से नाराज दिखाई पड़ रहा था, ग्रामीण इलाके के जो लोग थे उनको फैसिलिटीज के नाम पे कुछ नहीं दिया जा रहा था। हालांकि स्मार्ट सिटी और बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के प्रयास में शिवराज सिंह चौहान ये भूल गए, जो उनका जो तकिया कलाम था कि किसान का बेटा हूँ और किसानों की ही बात करूंगा, इस वजह से उनको मामा का दर्जा प्राप्त था कि जब तक मामा हमारे साथ है हमें कोई दिक्कत वर की बात नहीं है। तो जो शुरुआती जो 10 साल बीजेपी ने शासन किया, कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ने किसानों का ख्याल रखा, लेकिन पिछले 5 साल में किसानों की जो दुर्दशा हुई है मध्य प्रदेश में,
अगर आप आंकड़ों को उठा के देखें तो किसानों की आत्महत्या का जो एक रुझान या जो भी कहें जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है बीजेपी के फेवर में नहीं गई, और इस चीज को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस भुना नहीं पाई। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अभिलाष जी ने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उस चीज को भुना लिया, और ये भारतीय जनता पार्टी जो किसानों को लगातार नजरअंदाज कर रही थी, किसान लगातार पैदल मार्च करके दिल्ली की तरफ आए थे, और कहीं ना कहीं आप ज्यादा दिन तक धर्म की चाशनी चटा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ धर्म धर्म की बात करते रहेंगे तो फिर आखिर देश की विकास की कब बात होगी, और शायद जनता ने आज मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि मैं आपको कुछ बता देता हूं कि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की कुछ ऐसी नीतियां भी हैं जिसको लेकर लोगों में गुस्सा था, चाहे वो नोट बंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, फिर उसके बाद आरबीआई के गवर्नर का इस्तीफा देखा गया, लगातार सीबीआई सवालों के घेरे में रही, तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। अब जैसे मैं अभिलाष जी एक सवाल लेना चाहता हूं, अगर बीजेपी की हार होती है मध्य प्रदेश में तो इसके लिए शिवराज सिंह चौहान होंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र? सीधा जवाब देखिए, साफ तौर पर मैं शिवराज सिंह चौहान ही जिम्मेदार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जीएसटी और जो आपके, क्योंकि मध्य प्रदेश में रिमोट एरियाज काफी ज्यादा है और एटीएम फैसिलिटीज के नाम पर वहां पर कुछ भी नहीं, आज भी लोग जो है वो लाइनों में लगते हुए खड़े नजर आते हैं। अगर आपको पैसे निकालने हैं इंस्टेंट तो आपको एटीएमों में अभी भी लाइन में लगना पड़ेगा बहुत जल्दी, कई एटीएम बंद पड़े। मतलब परसों में एक आंकड़े देख रहा था, मध्य प्रदेश में जो रूरल एरियाज है वहां पे 40% एटीएम अभी भी बंद रहते हैं, या तो उन पर पैसा नहीं होता और हफ्ते डेढ़ हफ्ते में एक बार पैसा डलता है। तो नोटबंदी के बाद से जनता वैसे भी नाराज थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका भुगतान करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लाद दिया था लोगों पर कि नहीं भाई आप जीएसटी, क्या आप ये भूल गए कि वहां पर रिमोट एरियाज भी हैं जहां पर एटीएम के नाम पे काफी कम चीजें हैं और लोग ज्यादा हैं, तो जहां भी जनता ज्यादा रहेगी आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरी बात, जब सीएम शिवराज सिंह चौहान का वर्चस्व, मैं मध्य प्रदेश में मोदी जी से ज्यादा मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने भी जो है वो चुप्पी साधी और किसानों की बात तो थी ही, साथ ही रिमोट एरियाज जो छोटे एरियाज थे वहां पर उन्होंने विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया, ना जीएसटी के टाइम पे साथ दिया, ना आपके नोटबंदी के टाइम पे साथ दिया। तो कहीं ना कहीं ये जनता का जो आक्रोश है ये साफ देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर त्रिशंकु विधानसभा भी देखने को मिल, ये बड़ी चीज निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एग्जिट पोल के वक्त से ही ये बात कही जा रही थी कि वहां पर त्रिशंकु विधानसभा बन सकती है और बीजेपी कांग्रेस का कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, और वो तस्वीर साफ होती हुई नजर आ सकती है। अभिलाष जी, मैं कुछ सीटों पर आपसे राय जानना चाहूंगा। आप मध्य प्रदेश में अच्छा वहां पर वक्त दिया है, आपने अच्छी पत्रकारिता की है, वहां पर गांवों में काम किया है। बुधनी और होशंगाबाद और भगवानपुरा और बुरहानपुर, इन सब चार सीटों पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, वहां पर क्या चल रहा है? देखिए काशिप भाई, बुधनी सीट पे शिवराज सिंह का गढ़ है ये बुधनी, और बहुत बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो है काम धंधे वाले लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर नर्मदा प्लांट है, नर्मदा नदी है, माता नर्मदा की काफी ज्यादा यहाँ पर इज्जत भी की जाती है, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। बुधनी का अगर विकास के बारे में बात की जाए तो पिछले 15 साल में कुछ खास विकास हुआ नहीं है, बुधनी के पास कुछ बहुत ज्यादा सड़कें भी नहीं है, कनेक्टिविटी भी उतनी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बुधनी के लोग जो है शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा करते हैं, और कहीं ना कहीं बुधनी के लोग जो है वो यहाँ पर सपोर्ट करेंगे शिवराज सिंह चौहान को। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जो कुछ सीटें हैं विदिशा के आसपास की जो सीटें हैं, उसके बाद आपके देवास के आसपास की जो सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि मंदसौर और देवास जो है ये सिमिलर चलते हैं, यहाँ के लोग अगर इनको बीजेपी को वोट करना है तो ये बीजेपी को ही करेंगे। तो जैसे मंदसौर के रुझान जो सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि देवास भी शायद कांग्रेस के ही फेवर में चला जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। एक फॉर्मूला सामने आया है निकलकर कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है तो किस फॉर्मूले के तहत सरकार बनाएगी, जिसमें अगर कांग्रेस को 110 सीटें मिलती हैं तो वहीं अगर 7 बीएसपी की सीटें आती हैं और 3 एसपी की आती हैं तो अन्य कुल 120 सीटें हो जाएंगी, तो ये फॉर्मूले के तहत सरकार बना सकती है मध्य प्रदेश में कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त मजबूत स्थिति में है और पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पिछड़ चुकी है, छत्तीसगढ़ में पिछड़ चुकी है, यानी साफ तौर पर लोगों के अंदर आक्रोश था। और जैसे कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष पांडे जी ने बताया कि कैसे किसानों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर थी, कांग्रेस को लेकर लोग चाहते थे कि भाई वो सत्ता में वापसी करे, और शायद सत्ता की वापसी की सुबुगाहट बता रही है, ये चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि लोग अब चाहते थे कि आए किसी सूरत से कांग्रेस वापसी करे सत्ता में, और शायद ये सुबुगाहट अब तेज पकड़ती जा रही है। अगर मान लीजिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, अगर कांग्रेस वहां सरकार बनाती है
बहुत चंद अल्फाज में आप अभिलाष पांडे जी, आपने वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जनता किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? कांग्रेस का अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा? तस्वीर साफ कर, ये बहुत बहुत बड़ा जो है कंफ्यूजन का विषय है काशिप भाई, क्योंकि यहाँ पर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों का वर्चस्व बड़ा तगड़ा है, क्योंकि ग्वालियर से सिंधिया और छिंदवाड़ा से कमलनाथ लोकसभा के भी जब चुनाव हुए थे तो 27 में जो से जो दो सीटें सेव की थी, वो मेरे बाप का जवाब नहीं दे रहे हैं आप, कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? अंतर कलह की स्थिति जरूर है, लेकिन पब्लिक जो है, जो युवा वर्ग है और ज्यादातर लोग जो है वो सिंधिया के साथ जाना चाहते हैं। मुझे लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का वर्चस्व थोड़ा सा आगे। बिल्कुल, अभिलाष पांडे कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि अभी पार्टी को तय करना होता है, विधायक जो जीते हुए विधायक होते हैं उनको तय करना होता है कि उनका नेता कौन बनेगा, लेकिन अभिलाष पांडे जो काफी लंबा वक्त दिया है मध्य प्रदेश की राजनीति में और वहां पत्रकारिता में, तो उनका अनुभव कह रहा है कि सिंधिया मुख्यमंत्री हो सकते हैं क्योंकि युवा उनको पसंद कर रहा है अगर कांग्रेस वहां सरकार बनाती है। बहरहाल नतीजे आ रहे हैं, हल्के हल्के तस्वीर जो कोहरा था वो धुंध हल्की हल्की छट रही है और तस्वीर साफ होती जा रही है। वो तस्वीर ये है कि राजस्थान में कांग्रेस बना रही है सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बना रही है, वहीं तेलंगाना में टीआरएस और कांग्रेस वहां सरकार बना सकते हैं। अकबर उद्दीन ओवैसी और ओवैसी की पार्टी आगे चल रही है। वहीं अगर मिजोरम में देखें तो मिजोरम में भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पर भी बीजेपी कहीं नहीं नजर नहीं आ रही। तो यानी साफ तौर पर इन चार से पांच राज्यों के नतीजे बता रहे हैं अभिलाष जी के, अब की बार कांग्रेस सरकार। देखिए, साफ तौर पर ये हम कह सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा बात कर रहे थे कि 2019 लोकसभा से पहले ये एक सेमीफाइनल देखा जा रहा था, 600 प्लस विधानसभा सीटों का ये जो एक समीकरण सामने जो आया है, कहीं ना कहीं बीजेपी की खेमों में खलबली मची है और मुझे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस काफी खुश होगी, क्योंकि उम्मीद शायद उनको भी नहीं रही होगी। छत्तीसगढ़ के जो विधान सामने आए हैं, करीब करीब बहुमत से ऊपर ही उन्होंने जो है सरकार बनाने की ओर है कांग्रेस। यहाँ पर मध्य राजस्थान में भी लगभग कांग्रेस जो है आगे है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, राज्य जो है ये इनके गढ़ थे, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और यहाँ पर लगभग सिमिलैरिटी चलती थी। पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे ख्याल से यहाँ की राजनीति में कि छत्तीसगढ़ में कुछ अलग और मध्य प्रदेश। बिल्कुल, अभिलाष पांडे जी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। बहरहाल नतीजों कुछ ही देर में अब साफ हो जाएंगे किसकी सरकार कहां बन रही है, लेकिन साफ तस्वीर में यही है कि कांग्रेस सरकार बनाती हुई कई राज्यों में नजर आ रही है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, लगातार हम आपको एक एक सीट, मध्य प्रदेश की हर एक सीट हमारे संवाददाता हमारे पत्रकार लगातार हमसे भेज रहे हैं, जैसे जैसे वहां ईवीएम खुल रही है वैसे वैसे हम एसपीएनआई न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यही वजह है कि हम नंबर वन बने हुए। फिर आएंगे हाजिर। अभिलाष भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम लगातार लेकर आते रहेंगे, ऐसे जुड़े रहिए, देखते रहिए एसपीएनआई न्यूज। नमस्कार।